यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. फर्स्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जनरेशन बेटा? जनरेशन मीन्स चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. अगर कंप्यूटर की बात करें तो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. इनिशियली जब जनरेशन टर्म जब आई थी वॉज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्डवेयर्स. सिर्फ हार्डवेयर्स में ही डिस्टिंग्विश कर, बट नाउ अ डेज इट इंक्लूड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, जो दोनों मिलके विच टुगेदर मेक अप एन इंटायर कंप्यूटर सिस्टम. जो जनरेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट्स हैं दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम. सो ईच जनरेशन हैज़ इट्स ऑन करेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन टाइम पीरियड की को हम टाइम पीरियड और करेक्टरिस्टिक्स को लेकर इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो फर्स्ट हमारे पास जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है, हम फाइव जनरेशन्स हैं हमारे पास. जो आपकी जनरेशन हैं इनको फाइव कैटेगरीज में डिवाइड किया, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. बट डिफरेंस क्या है इनका? टाइम पीरियड एंड करेक्टरिस्टिक्स. नाउ वी एक्सप्लेन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? 1940 से 1956 बेट का, मतलब जो डेवलपमेंट था इसका जो टाइम पीरियड था. इन फर्स्ट जनरेशन वी यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज अ सर्किट कंपोनेंट. हमने फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए सर्किट कंपोनेंट के. जो आपका फर्स्ट जनरेशन था इसकी जो स्पीड थी बेटा बहुत स्लो थी. दे टेक मच टाइम फॉर प्रोसेसिंग, मतलब बहुत सारा टाइम लेता था प्रोसेसिंग के लिए. इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. जो इसके इसमें हीट प्रोड्यूस करता था, मीन्स जैसे हमारा CPU है वर्क करते हैं. सो इसमें ये डिसएडवांटेज थी, ये बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता था. और इसमें एक और भी डिसएडवांटेज थी जिस जो हम फर्स्ट जनरेशन में इनपुट देते थे बेटा एज यूजिंग पंच्ड कार्ड और पेपर टेप से देते थे. पंच कार्ड और पेपर टेप्स जो इसमें हम यूज़ करते थे डाटा को स्टोर करने के लिए, मैग्नेटिक टेप्स को यूज़ करना पड़ा था डाटा स्टोर करने के लिए. और हमें जो इसमें आउटपुट मिलती थी थ्रू प्रिंट्स पे, मतलब पेपर पे प्रिंट कर फिर आउटपुट मिलती थी. सो वी हैव सम प्रॉब्लम्स इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. सो टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स वी हैव सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. बट बिफोर गोइंग टू सेकेंड जनरेशन वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. बेटा टर्न योर पेज. फर्स्ट लाइक यू हैव ENIAC. योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. बेटा जो आपका ENIAC था किसने डिवेल्प किया? जॉन एकर्ड ने. किस ईयर में? 1946. बेटा जॉन एकर्ड और जॉन मॉसली बोथ 1946 में. जो आपका ENIAC है 5000 एडिशंस, मतलब एक टाइम पे 5000 एडिशंस परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, वन टाइम में और वन सेकेंड में. जो ENIAC था वो क्या कर रहा था? 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स कैरी कर रहा था, 10,000 कैपेसिटर्स थे और 70,000 रजिस्टर्स थे बेटा. अब ENI मतलब ऑलरेडी आपको बता दिया, एबल टू सॉल्व लार्ज कैलकुलेशंस, लार्ज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटा. ठीक है, नेक्स्ट है EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स. जो ये EDVAC कंप्यूटर्स थे ये क्या कर रहे थे? ये परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे? स्टोर कर रहे थे आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स को. ये भी किसने डेवलप किए? जॉन एकर्ड एंड जॉन मॉसली ने. ठीक है, 1947 में. सो आपके EDVAC क्या कर रहे थे? डाटा को स्टोर कर रहे थे बेटा. क्लियर जी. EDVAC का रनिंग टाइम था जब स्टार्टिंग में था 7 आवर्स इन डे, एक दिन में 7 घंटे काम करते. बट आफ्टर सम टाइम्स दे यू हैव टू यूज फॉर 20 आवर्स. ठीक है, लास्ट है UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स. दिस इज ऑल्सो डिवेल्प बाय जॉन एकर्ट एंड जॉन मॉसली इन 1951 to 1956. इट इज़ डिज़ाइंड फॉर अ बिजनेस पर्पज़. ENIVAC को हमने बिजनेस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया. दे टेक 5000 वैक्यूम ट्यूब्स बेटा. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव सेकेंड जनरेशन. टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट जनरेशन वी हैव सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो.